Sagar Inter College, Kanwakheda, Sitapur. Admissions open for session 2024-25 for class 9th and 11th. Trained, highly qualified and experienced staff. Transport facility available. Value-based education system. Contact now for your children's bright future. मुख्तार अंसारी की मौत के बाद उनके परिजनों से मुलाकात कर ढांढस बंधाने पहुंचे सपा मुखिया अखिलेश यादव पर भाजपा नेता ने निशाना साधा है। भाजपा नेता ने अखिलेश यादव को निशाने पर लेते हुए कहा कि वह तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। बता दें कि रविवार को सपा मुखिया अखिलेश यादव मुख्तार अंसारी के गाँव श्रद्धांजलि देने पहुँचे थे। सपा मुखिया के इस दौरे पर राज्यसभा सांसद और बीजेपी के संगठन महासचिव अमरपाल मौर्य ने अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोला है। सपा मुखिया अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। भाजपा महासचिव अमरपाल मौर्य ने अपने बयान में कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के निधन पर अखिलेश यादव उनके घर नहीं गए थे। इसके अलावा अमरपाल मौर्य ने सपा प्रमुख पर निशाना साधते हुए कहा कि जो किसी के जीवन को भी राजनीति से जोड़कर कार्य करते हैं तो इससे घृणित कार्य नहीं हो सकता। वो हमेशा वोट बैंक की राजनीति करते हैं, चाहे रमजान हो, बिजली हो, वो सब में राजनीति करते हैं। सपा मुखिया अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए राज्यसभा सांसद अमरपाल मौर्य ने और क्या कहा उसे भी सुनिए। देखिए, रायबरेली की जनता ने गांधी परिवार को हमेशा जो है सिर पे उठाए रखा। आज जब रायबरेली की जनता, मतलब उनको बंगला प्यारा था इसलिए वो रायबरेली की जनता को उन्होंने छोड़ दिया, इसलिए उन्होंने राज्यसभा जाने का अपना निर्णय किया। इससे रायबरेली की जनता इन कांग्रेसियों को कभी माफ़ नहीं करेगी। 2024 में प्रचंड बहुमत से हम रायबरेली के अंदर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा, ये मैं जरूर कह रहा हूँ। उनका गठबंधन है कहाँ, वो एक परिवार का और एक लूट खसोट भ्रष्टाचारियों का गठबंधन है। उस गठबंधन में देश के प्रदेशों को लूट करके रखने वाले आपस में मिल करके उस गठबंधन को बचाने का काम कर रहे हैं जो भ्रष्टाचार के अंदर जो है पूरे सने हुए हैं। मैं जो है अभी सलोन में कार्यक्रम है, अमेठी लोकसभा में कार्यक्रम है, मैं उसी में जा रहा हूं। कार्यकर्ताओं ने मुझे रायबरेली में जो है अभिवादन के लिए रोका। अखिलेश यादव क्या है कि हमेशा तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं। आप बताइए, जब कल्याण सिंह जी इस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, स्वर्ग सिधारे, आप वहाँ पर जाने की तो जो है जहमत नहीं जुटाए। आप जो है किसी के जीवन को भी राजनीति से जोड़ करके अगर चलते हैं तो इससे बड़ी जो है घृणित कार्य कुछ नहीं हो सकता। वो हमेशा इसी राजनीति ही करते हैं। वो इसलिए तो जो है उन्हीं के शासनकाल में कब्रिस्तान हो या जो है बिजली की बात हो, रमजान हो, तो सब में वो राजनीति करते थे। हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में जब आई तो तय की कि भाई हम सब के लिए जो है समान व्यवहार रखते हैं। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।